जिंदगार सदर मुफ्ती हुजैफा साहब, मौलाना अब्दुल वहाब कासमी साहब, मौलाना शफीकुर रहमान नदवी साहब, मौलाना अयूब साहब, सभी दिगर उलेमा इकराम ऑन द स्टेज। यहाँ पे मौजूद हमारे भिवंडी के खासदार सुरेश बाले मामा मात्री साहब, जिस राज्य के माजी मंत्री जितेंद्र रावत साहब, मेरे अजीज दोस्त कॉरपोरेशन से जिनसे हमारा ताल्लुक रहा है, मेरे बड़े भाई रईस शेख साहब, मेरा साथी सभागार शानू भटान जी, एसके बिल्डर हमारे शब्बीर भाई, इस शहर के बिजनेसमैन शमीम खान साहब, अदील भाई आजमी साहब, मेरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस शहर के जिला अध्यक्ष साबिक कॉर्पोरेटर जफर नोमानी साहब, सभी उलेमा जिनसे मैं रूबल तारुफ नहीं है, और सामिन इकराम अस्सलाम वालेकुम। बरान जो फिक्र रखी गई है मुफ्ती, उसे बस आप एक कहूंगा कि इस स्टेज के ऊपर तो जिम्मा बड़ा है, बट कम उम्र है, बट साफ ख्याल पेश करता हूँ कि बेशक फिक्र बहुत रखी गई है, और हमेशा जब जब कौम में कुछ मायूसी आई है और जो मुद्दे को अवाम के बीच में लाना है और जगाना है, तो 1857 के गदर ने भी देखा है और आज तक देखते है कि जब जब उलेमा इकराम ने जगाने का काम किया है तो अवाम पूरी जोश आवाज से रस्ते पे उतरी है, और उसका नजरिया पिछले खासदारगी के इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। तो मैं सभी उलेमा इकराम का शुक्रगुजार हूँ कि कौम को आपने इस मुद्दे के ऊपर लेकर जाने की एक कोशिश की है। बरार बिल रखा गया, रखने के साथ सरकार को पता चला कि इस दौरान में ऐसे भी शख्सियत हमारे साथ में है जो उनके राज्य के अंदर मुस्लिम वोटों के जरिए चुन के आए, मिसाल बिहार हो या आंध्र, टीडीपी हो चंद्रबाबू नायडू जी की, तो साथ में साथ नहीं मिलेगा, मेजोरिटी नहीं होगी तो बिल रखा गया। कुछ साल पहले कांग्रेस ने बहुत ही बड़ी तादाद पे पूरे हिंदुस्तान में जंग छेड़ी कि राफेल के ऊपर आज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मुंतखिब की जाए, पर सरकार ने मानी नहीं। 3 महीना पहले उलेमा इकराम ने इस देश को बता दिया कि जब हम रुख बदलना चाहे तो बदले, पर साफ तौर पे कहना चाहूं तो यह बिल रखा गया है, अभी तक हमारी शौरा कमेटी जो सबसे तादाद में जो इस हिंदुस्तान में आजादी के बाद से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको स्टडी पे लिया है, मेरे ख्याल में आज ये बहुत प्री मैच्योर है, क्योंकि जेपीसी के अंदर हमारे सुरेश मात्रे साहब माननीय सांसद भी है, लिस्ट के अंदर ढूंढने में तकलीफ भी एम सुरेश गोपीनाथ लिखा है, मगर फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि आज भी आप लोग जब तक हमको जगाने के लिए बैठे हैं वैसे इस जेपीसी कमेटी के अंदर 4 सांसद लोकसभा के अंदर है जो मुसलमान है, और उसके अंदर अहम नाम है जो आखिरी नाम है 21वां नाम, वो है हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब। इनके खिलाफ हो गए, कौम को एक रहना चाहिए, शहरियत का मसला है, ओहदे आएंगे जाएंगे, मैं फिलहाल जो पार्टी में हूं सत्ताधारी के साथ है, बट कौम के आगे ओहदा भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, कुछ नहीं है जो शहरियत को हाथ लगना चाहता है, तो कौम का जिम्मेदार है, क्योंकि आखिर में हर मोमिन तो आखिरत की सोचता है, दुनिया ही तो कुछ दिन है, यहां से निकलते हुए अल्लाह की मर्जी क्या रहेगी कुछ पता नहीं चलेगा, कौन मार लेगा कौन क्या हो जाएगा पता नहीं है, बट आखिरत की सोच है तो शहरियत के मामले में हो गए नहीं। फिगर की बात दूसरी इसके लिए नहीं है, इस मुद्दे पे प्री मैच्योर, मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा कि अभी तक आवाम का मुद्दा नहीं है, इसको पॉलिटिकल एजेंडा में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो राज्यसभा के 10 सदस्यों को चुना गया है उसमें से भी 4 हमारे सांसद मुसलमान है, हमारे को हमारी नुमाइंदगी, मैंने आपको मिसाल दिया कि राफेल कांग्रेस यूनाइटेड ऑपोजिशन ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आवाज उठाई कि राफेल की जेपीसी की जाए, बट रखी गई नहीं। 3 महीने की थोड़ी सी हवा का हमने पंखे का रुख बदल के
पता है कि गर्मी तुमको भी हो सकती है, हमारे को छेड़खानी करो मत। मिनिस्टर ने फिर रखा गोदल हुआ और ताबड़तोड़ चेटी से अनाउंस की गई और लिस्ट इंटरनेट पे भी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के वेबसाइट पे भी है। वक्त के तकाजे पे इतना ही कहूंगा कि हमारे मोमिन जैसे, हम जैसे छोटे समाज सेवक जिंदा है कि शहरियत को कोई हाथ लगाने नहीं देंगे, ओहदे नहीं मिले चलेगा। वैसे ये सांसद के उतने ही जिम्मे के साथ है। इसके लिए मैंने एक सांसद का नाम लिया, वो तो कौम के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ना, ना बाकी के कोई करेगी। मैं तो कहूंगा इसके अंदर आखिरी बात कि मेरे एक ही आखिरी बात है, इत्तेजा है कि माजरत चाहता हूं मैं बहुत। आप दीन से जुड़े हुए, दुनिया से बढ़कर दीन होता है और दीन के रस्ते पे ही चलना, हमारे कुरान तर्जुमे से पढ़ता हूँ, इसके लिए कहता हूँ, तीन बार खत्म कर चुका हूँ एक एक तर्जुमे के साथ, कि दीन के जरिए ही दुनिया में चलना है। कुरान हमको दुनिया ही सिस्टम सिखाने के लिए नाजिल हुआ गया है। तो इतना कहूंगा कि इसको सियासत जड़के का मुसलमान ने अपनी ताकत बता दी है हमको, इसको किसी को भी, हमको आज तक हमको कठपुतली बनाया गया हमारे मसले मसाइल को प्रेजेंट करके कि ये तुम्हारा मसला है, तुम हमारा साथ नहीं दिए तो तकलीफ होगी। हम कठपुतली नहीं है, आप जैसे हमको जगाने के लिए बैठे हैं तो बेशक कोई किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए कोई एजेंडा ना हो, यही एक रिक्वेस्ट रहेगी बेशक, मगर हर मोमिन, हर नुमाइंदा हो, नगर सेवक हो कि खासदार हो, हर एक जन इसका साथ देगा। इसका जहां जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपकी जो कमेटी, शोरा कमेटी है देवबंद की या दूसरे मसले की मामले रहे, उनकी कमेटी जो मुख्तसर जो राह बताएगी वो राह पे हर मोमिन चलेगा, इंक्लूडिंग मैं और मेरे साथी, ये वादा कहता हूँ। फिक्र जताई उसके लिए जजाक अल्लाह खैर। इतना याद रखे कि भाई ये फिक्र को हमारी कौम की फिक्र रहे, उसके लिए कोई जाति सियासती प्लेटफॉर्म ना बने। ये इल्तिजा थी मेरी, कुछ गलती हो, छोटा मुंह बड़ी बात क्या होगा, तो माफी चाहता हूँ। माफी मांगने वाला आपने ही हमको मदरसे में पढ़ाते सिखाया, बड़ा दिल का होता है, तो बेशक कुछ गलती हो तो माफ करता हूँ।